अपने आप को हाजिर जरूर करेगी, वह तबीयत उनका ख़राब है इसलिए वो नहीं आ पाई हैं दोस्तों। वो जल्द से जल्द ही आएगी दोस्तों। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव, पवन लाल देहाती ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बतला रहा हूँ गोरखपुरिया भौजी की हालत बहुत तेज़ ख़राब हो गया है और एडमिट हैं अभी। वो 10 तारीख को उनका तबीयत ख़राब हुआ रात में और 11 से वो भी ही अस्पताल में हैं। और लोग बोल रहे हैं डर के मारे वो चले गए हैं अस्पताल में, तबीयत ख़राब कर ली, ये कर ली, वो कर ली है, बाकी कुछ है नहीं है दोस्तों। उनका तबीयत ख़राब है और उनके देखिए बहुत तेज़ हालत गंभीर हो गया था। उनका क्या ना है, बोतल चढ़ा है उनका। और देखिए उनके घर के लोग बहुत परेशान सब हो गए हैं और कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं कि पुलिस के ढूंढने के कारण से ये छुप छुप गई है और जाके एडमिट हो गई है वहाँ पर अस्पताल में। पर ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, उनका तबीयत 2-3 दिन से पहले से भी ख़राब था और अब भी तबीयत उनका ख़राब हो गया है। वो क्या करे, मजबूरी में। और लोग उनका तबीयत जानबूझ करके तबीयत ख़राब कर दिए, हंगामा मचा मचा करके वो भी थोड़ा चिंतित हो गई कि बतलाए मैं इंसाफ दिला रहा हूँ, इंसाफ के लिए आया हूँ, तो लोग मुझे घेर रहे हैं उल्टा। तो यही कुल बात था दोस्तों। पर वो भी बहुत टेंशन में पड़ गए थे इसलिए उनका तबीयत थोड़ा तेज़ ख़राब हो गया है हो गया। और लोग उन्हें झूठा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं दोस्तों, पर एक गलत बात है, झूठा इल्ज़ाम किसी को नहीं लगाना चाहिए ये, क्योंकि देखिए सत्य सत्य तो है और झूठ झूठ है। तो सत्य कहते हैं लोग, पानी भगा हुआ छुपता नहीं, यह जरूर कुछ दिन के बाद ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों यही बात है दोस्तों, कोई ऐसा कोई बात नहीं, भले से ही उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है वो जरूर आएगी, जरूर वो आ करके अपने आप को हाजिर जरूर करेगी। वह तबीयत उनका ख़राब है इसलिए वो नहीं आ पाई हैं दोस्तों। वो जल्द से जल्द ही आएगी दोस्तों। नमस्कार।